नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक और मैं हूं राजकुमार। इन दिनों एक फिल्म मट्टू की साइकिल खासी चर्चा में है और ये फिल्म इस समय पे देश विदेश के जो फिल्म समारोह हो रहे हैं उनमें यात्राएं कर रही हैं। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस फिल्म का चयन किया गया, वहां पे इस फिल्म ना सिर्फ स्क्रीन की गई, काफी सराही गई। अभी साउथ एशियन फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ये फिल्म जो है इसका सेलेक्ट हुई है और वहां पे इसकी स्क्रीनिंग होगी। फिल्म चर्चा में है और इस समय पे हमारे साथ इस फिल्म के निर्देशक मशहूर फिल्मकार मोहम्मद गनी साहब मौजूद हैं, तो उनसे थोड़ी बात करेंगे इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म क्या कहना चाह रही है और जो निर्देशक हैं इस फिल्म के जनाब मोहम्मद गनी साहब वो किस तरह से इस समय के सिनेमा में जो ट्रेंड हैं और वो कितना इस समय के सवालों से रूबरू है, इस बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गनी साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया राजकुमार। जी, तो शुरुआत इस फिल्म से ही करते हैं। ये जो मट्टू की साइकिल जी फिल्म है, तो इसकी क्या यात्रा रही, इसके बनने की, बनने का मतलब आइडिया से लेके और स्क्रीन तक आने का। मैं नाटक कर रहा था काफी वक्त से, तो नाटक के दौरान ही ऐसा लगने लगा था कि कई कहानियां हैं जिन्हें हम लोग नाटक से दूर तक ले जा सकते हैं, और इसमें ना विज्ञान ने बड़ी भूमिका निभाई है जब से डिजिटल हुआ है सारा कुछ। हालांकि उसकी अपनी तरीके की दिक्कतें हुई हैं, डिजिटल होने से हमें लग रहा था जहां बहुत डेमोक्रेटिकली चीजें फैलेंगी तो फैली भी हैं, लेकिन उस एक अलग तरीके की मुश्किलें भी जो दिखने लगी हैं, चुनौतियां भी, और डिजिटल के नाम पर जो चुनौतियां हो सकती हैं वो समझ आने लगी हैं। तो खैर, ये कहानी 2015-16 में मैं हॉस्पिटल में रहा किसी वजह से कुछ दिन, तो उन दिनों ये कहानी मेरे जहन में आई कि मजदूरों की जिंदगी पर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं मुल्क के, जो पिछले दिनों तो हमने काफी देखा या हमारी नजर गई है, मजदूर तो कहीं गए नहीं थे, मजदूर तो इसी मुल्क में है, हर धरती पर ही है, लेकिन लोगों ने देखा उन्हें इस, तो मुझे, लेकिन वो दिखते रहे हैं बचपन से। अरे आलू ही रांध दे आज। आलू रात को बन जाएंगे। कमाई मैं करूं, गर्मी में परेशान मैं हूं, तू काहे को इतनी कंजूस नहीं बन रही है मेरी सास। तो मैंने एक उन्हीं के आसपास मुझे था कभी कि कहना है कुछ उनके बारे में, उनके किसी, तो उनमें से किसी एक कैरेक्टर को मैंने प्लान किया था उस 2015 में, और उस बस वही बैठ के बनाई गई कि वो एक मजदूर होगा जिसके पास उसकी जिंदगी की जो डोर है वो एक साइकिल है। शहर से 10-12-15 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है जहां से हर दिन उसे आना होता है शहर में, और काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर है, तो उसकी जिंदगी की एक डोर है साइकिल। तो साइकिल और उस मजदूर के जरिए हम उसके आसपास की दुनिया को देखेंगे, और इस दुनिया के साथ में मेरी कोशिश थी कि हम लोग भारत को देखें छोटे से गांव में लाकर समेट करके। जय, कब तक रोंदवे को बिचार है कि जब तक बिल्कुल टैन ही बोल जाए, जब तक तू मेरी और मैं तेरा। जब बोलेगो कारी जबानी बोले। मट्टो जो है एक आम आदमी का, कोई भी एक आम आदमी है, उसका हमने सोचा कि इसे ये वो है, उसकी साइकिल जो है हर व्यक्ति की अपनी एक साइकिल है, और इसे हम एक छोटे से गांव में लाके देखते हैं। तो वो एक आइडिया बना, आइडिया के बाद उसका एक स्क्रीन प्ले की तैयारी हुई, और वो स्क्रीन प्ले हनीफ भाई हैं, हनीफ मदारजा, तो वो उनसे लिखवाया गया। तो वो चूंकि सिनेमा के व्यक्ति नहीं है तो फिर कुछ बात बन नहीं रही थी, तो हमारे बीच में ही एक हमारे यहाँ स्टूडेंट थे, साथी थे, नाटक में काम करता था बच्चा, तो पुलकित फिलिप, तो पुलकित ने, वो फिल्म स्कूल जाने की तैयारी में था, उस बारे में सोचता था वो, तो उसे मैंने बताया, उसे बैठ के उसे गांव में, क्योंकि वो शहर में रहता था लड़का, तो उसे गांव में भेजा कि तू वहां रहे, तो उनके बीच में फिर वो स्क्रीन प्ले पर काम शुरू हुआ। फाइनली वो बना, और हमने 2016 में उसे मंच पे किया पहले पहले नाटक की नाटक किया, तरीके से, नाटक की तरह से। और हाँ प्ले किया, हाँ, और वो फिल्म का स्क्रीन प्ले था, नाटक रूपांतरण नहीं किया गया, वो स्क्रीन प्ले को ही हमने मंच पर करके देखा, और हम लोग खुद से इस फिल्म को बनाने वाले थे,
जन सिनेमा हमारा एक कंसेप्ट था कि हम लोग लोगों से श्रम का सहयोग लें और वो जब वक्त दे सकते हैं उतना वक्त ले लें, पैसे की जरूरत है नहीं, बाकी चीजें डिजिटल है तो काफी हो जा रही है, सिनेमा बनाया जा सकता है और ये प्रयोग हम पहले कर चुके थे। तो ये तय हुआ कि हम लोग करते हैं, स्क्रीन प्ले लिखा गया, नाटक हुआ बहुत, और हम लोगों ने वो नाटक हमारे बेहद सफलतम नाटकों में से एक था जो हम नाटक करते हैं यहाँ। सफलता है मतलब काफी लोग देखें उसे और उसे वो अपने अंदर महसूस कर सके उस नाटक, तो वो बहुत लगा कि हाँ यार ये तो कहानी सही है, इसे करते हैं। तो हम लोग बनाने की तैयारी करने लगे, लोकेशन उसी में से एक्टर ट्रेंड हो गए, नाटक करने की वजह ये भी थी कि उससे नाटक तैयार हो जाएंगे। और ये किसी भी तरह के फिल्म समूह के लिए, फिल्म बनाने वालों के लिए ये यात्रा जो है, अगर सिनेमा बनाना चाहते हैं और सिनेमा में करियर चुनना चाहते हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। सिनेमा बनाना और सिनेमा में करियर या सिनेमा में अपनी जिंदगी की रोजी रोटी तलाशना दोनों अलग अलग बातें हो सकती है। तो इसमें हम लोग सिनेमा बनाना चाहते थे तो वो कहानी बन गई, नाटक हो गया, लोग ट्रेंड हो गए, अब उसे था कि कैमरे के साथ उसकी एक्सरसाइज करके शूट कर लेना है। तो हम लोग लोकेशन देख रहे थे, ये सब चीजें चल रही थी। उन्हीं दिनों मुंबई से हमारे दोस्त हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर भी है और वो थोड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं, उन्होंने अच्छे तरह का सिनेमा बनाया है, तो वो मथुरा किसी काम से आए और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं मथुरा आया हूँ, मिलना चाहता हूँ, मिलेंगे? तो मैंने कहा हाँ मिलेंगे। हम लोग मिले और मिले, उसके बाद उन्होंने क्या कर रहे हो, तो वो अपना कुछ करने आए थे, मैंने भी ऐसे बता दिया कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं और उसकी लोकेशन वगैरह खोज रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे सुनाओ यार क्या बना रहे हो। तो मैंने उन्हें वो स्क्रिप्ट जो थी उनकी भी, अगले दिन हम लोग मिले फिर दोबारा से होटल में, तो वो सुनी, फिर वो बहुत एक्साइटेड थे उसी कहानी को सुन के, बोले अरे यार ये तो बहुत अच्छी कहानी है, इसे थोड़ा अच्छे से बनाइए। तो मैंने अच्छे से ही बना रहे हैं, तो किसी इरफान को ले रहे हो, किसको ले रहे हो? तो मैंने नहीं यार इरफान वगैरह कोई नहीं है, ये अलग ही लेवल से बनाई जाएगी और इसके एक्टर ट्रेंड हो चुके हैं सर। तो उन्होंने हमें 2 दिन हम लोग लगातार मिले और उन्होंने हमें तैयार किया इसके लिए मेंटली कि यार ये फिल्म जो है ना महत्वपूर्ण हो सकती है, आप इसे ना थोड़ा सा, मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ और ये फिल्म अच्छे से बनाओ आप जैसे बनाना चाहते हो, जिसमें थोड़ा पैसा लग जाएगा। तो है क्या कि सिनेमा में ये जो भी हुआ, लेकिन पुलकित था मेरे साथ, हमने जो सहयोगी लोग हैं, साथी हैं, जो संगठन है उसमें बात करी, थिएटर जो ग्रुप है वही सिनेमा भी के बारे में भी बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव है। तो कई बच्चे हैं जिन्हें फिल्म स्कूल जाना है या ड्रामा स्कूल जाने के बाद अपने जीवन में करना है, तो लोगों का आया कि कोई अगर वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उनकी सिनेमा की जो बैकग्राउंड है, उनकी फिल्म कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, मतलब उन्होंने फिल्म अच्छी प्रोड्यूस करी है, मनीष मुंद्रा उनका नाम है, तो और वो मैं उनकी काम की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बड़ी कमाल फिल्म आंखों देखी है और इस समय पे जो इस अलग लीक से हटके फिल्में आ रही है उनको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ मनीष है ना, तो मनीष ने न्यूटन बनाई, न्यूटन अमरीका, कई अच्छी फिल्म, जैसे कड़वी हवा, जी कड़वी हवा, तो हाँ तो उस तरीके के सिनेमा में उनका रुझान इंटरेस्ट था। तो चीजें ठीक है, अब वो दिमाग शिफ्ट, 2-3 दिन की लगातार बातचीत, चायबाजी, थड़ीबाजी होने लगी और हम लोग होटल से निकलकर खोखे पर थड़ीबाजी कर रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं और करके ये तय हुआ। और मनीष भी एकदम से, वो उनकी भी अंदर को, उनकी भी एक साइकिल की कहानी थी अपने जहन में, तो हम दोनों को मिलके अच्छा लगा और चीजें हुई कि हाँ करते हैं फाइनली। फिर वो चीज मनीष करना चाहते थे उसे, लेकिन देर हो रही थी काफी, उनकी अपनी बजट थी जो भी थी, लेकिन उसमें देर हो रही थी और मेरे साथ मुश्किल ये हुई थी कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ये यहीं पर अटक गई थी बात कि ये खत्म हो तो कुछ और करें। और तब फिर उन दिनों इसमें, और मनीष भी उनका भी उन्होंने उसके लिए काफी प्रयास किए होंगे, लेकिन खैर वो हमारी नहीं थी जिंदगी में, हम कभी दोबारा कभी साथ होंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो फिर ये कहानी
मैं हम लोग अब ऐसे सोचने लगे कि इसे मुंबई में ही बनाना पड़े तो कौन लोग फिट हो सकते हैं। हाँ, तो मुंबई का एक चलन और है जो हिंदी सिनेमा का, जिसपे ईमानदारी से बात करें तो यही है कि आप पहले एक्टर ले आओ तब प्रोड्यूसर आ जाता है। तो मट्टो के लिए हम लोग सोच रहे थे किसे लाया जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मेरे जहन में चूंकि मट्टो में ना कोई हीरो मैच नहीं करता था, मट्टो दिहाड़ी मजदूर चाहिए था, जो दिहाड़ी मजदूर लगे जी। वो जो हिंदी सिनेमा में लाल गमछा पहन के जो मजदूर आ जाता है, सफेद एकदम कपड़े पहन के चकाचक, वो उनमें से ना हो, वो उनमें से दिखे जो पिछले दिनों देखे गए हर बार। बिल्कुल, एक सुपरफिशियल ना हो और एक ऑथेंटिक। तो तब प्रकाश झा का नाम मेरे जहन में आया कि यार हाँ, वो शक्ल ऐसी है और उनकी समझ भी ऐसी है कि हम लोग अगर उनको कन्विंस करें। चूंकि उन्होंने मुझे उनकी ना एक फिल्म है दामुल, जिससे मैंने उनका सिनेमा देखना शुरू किया था। तो दामुल थी जहन में, लास्ट उनकी चक्रव्यूह मेरे जहन में थी। तो था उनका सिनेमा कि हाँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ और अगर उन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ करके लग गई बात तो देखते हैं बात आगे बढ़ी। तो स्क्रिप्ट उन तक कामेश आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं जी, कामेश शायद इस फिल्म को एडिट भी उन्होंने किया है। तो कामेश जो है हमारा दोस्त है सब। तो कामेश उन दिनों उनकी प्रोडक्शन कंपनी के आसपास कुछ कर रहा था जी। तो मैंने कामेश से कहा कि यार इसको ना मट्टू को एक काम करिए, इसका नाम पहले साइकिल था, मट्टू नहीं था। तो मैं साइकिल को यार जहां साहब को पढ़वाओ अगर उन्हें टाइम मिल सके तो, कुछ नहीं तो पढ़ लेंगे, कुछ नहीं मतलब दो बात होंगी कि। तो वो स्क्रिप्ट उन तक पहुंचाई गई और 5 दिन के बाद ही कामेश का फोन आया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो खैर वो हम लोग तत्काल तो नहीं मिल सके, उन दिनों में कोई नाटक कर रहा था इधर, तो वो मेरे सब एकदम पीक पर था। तो हम लोग 1 महीने बाद का हमारा टाइम तय हुआ और हम लोग मिले। और झा साहब के लिए मैं एक अजनबी व्यक्ति था, मैं तो उन्हें जानता था तो हम लोगों की बड़ी अच्छे से बातें हुई, फोन पर बात हुई थी और बड़ी जहीन बातें हुई हमारी। तो फिर आधे घंटे हम लोगों ने चाय वाय पी और सारी चीजें, वो स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे और वही टेबल पर ही फाइनल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को जरूर करना चाहूंगा और वो उसकी उन्होंने सिर्फ कुछ सवाल थे उनके, इसकी जो लेयर्स हैं, जो उसकी पॉलिटिक्स है, जो उसकी कहां कैरेक्टर के और सारे लेयर्स हैं जो दिख नहीं रहे हैं। तो आमतौर पर पढ़ने में नहीं, मतलब एक आम आदमी शायद पढ़ते वक्त उन्हें इग्नोर करते कि मैं उन्होंने कहा था कि मैं सबको जान लेना चाहता था। एक तो ये था कि एक व्यक्ति है जो बंबई में नहीं रहता, सिनेमा का नहीं है सीधे तौर पर, और ये स्क्रिप्ट मतलब कहीं इधर उधर से तो नहीं आ गई, कुछ ऐसा नहीं है कि वो मैं मिल। तो बस फाइनल हो गई और ये 2018 के जुलाई वुलाई की बात है और 2019 अगस्त में हम लोगों ने शूट किया है इसे जी। तो इसके लिए इसकी बनने की यात्रा वो तो लंबी बहुत सारी होगी, तो ये बेसिक है जी। लेकिन एक तरह की हम माने कि 2015-16 में एक आपके दिमाग में आइडिया आया, फिर जो है प्रकाश झा से मुलाकात हुई, इससे पहले मनीष से मुलाकात हुई, और फिर 2018 की जून जुलाई में ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 2020 में हम कह सकते हैं पर्दे पे आए। शूटिंग इसकी हम लोगों ने अगस्त में करी है, लास्ट ईयर अगस्त 19 में। हाँ जी, और इसका पोस्ट का काम चल रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो फिर उसके बाद ये तो दुनिया दूसरी शुरू हो ही गई है जी। तो अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, अगर फिलहाल सिनेमा की बात करें तो ज्यादातर जो है लोग इसी तरह का सिनेमा बनाते हैं कि जिसमें स्टार हैं, ग्लैमर हैं, या जो 200 करोड़ 100 करोड़ और ज्यादातर लोग प्रभावित भी इसी से होते हैं। तो ये जो इस तरह से उस सिनेमा से हटके एक सिनेमा बनाना, तो पहली बात तो ये कि क्या चीज है ना जो इस बात के पीछे डालती है एक निर्देशक को कि उधर नहीं जाते हैं, कि वो इस चकाचौंध में, इस ग्लैमर में, और जिसकी एक पूरी एक इकोनॉमी है
जिस इकोनॉमी में अगर आप फंस गए तो फिर कहीं ना कहीं सिनेमा पीछे हट जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जो किसी निर्देशक को इस प्रतिबद्धता को बनाए रखती है, जैसे आपने भी ये फिल्म चुनी ना? हाँ, तो राजकुमार यार ऐसा है कि ना सिनेमा अच्छा और मतलब दो श्रेणियों में ही हम बांट सकते हैं, एक देखने लायक और एक ना देखने लायक। एक तो इंटरटेनमेंट पैकेज होता है और एक होता है सिनेमा जी। तो मेरे ख्याल से सिनेमा ही ज्यादा देखा जाता है हिंदुस्तान में भी। आप देखें जो सबसे कामयाब फिल्में होंगी उनमें भी सिनेमा जरूर रहा होगा। मतलब हम देखें हिंदी सिनेमा को ही देखें क्योंकि उसका बाजार छोटा है, तो बजट यहाँ बेशक कहते में थोड़ा बड़ा लगता हो लेकिन वो बहुत ज्यादा बजट उस सिनेरियो में नहीं होता, क्योंकि एक साधारण कहानी कहने के लिए रोमा जैसी फिल्म बनाने में ना आपको बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन भारत में रोमा जितना पैसा लगा के आप रोमा नहीं बना सकते। यहाँ आपको क्योंकि उसके बाजार के लिहाज से वो आउटपुट और चमक कुछ और चीज भी दिखानी पड़ेगी। खैर, तो अब रही बात यह कि ऐसी कहानियों को निर्देशक या मैं कैसे इसके पीछे गया, तो यार हम लोग मैं तो ना जैसे सिनेमा देखना पसंद करता हूँ, सिनेमा बनाना अगर मौके मिलेंगे तो सिनेमा बनाना चाहूंगा। अब हर कहानी में कोई ना कोई जरूरत होगी, जैसे मट्टू की साइकिल में उस दिहाड़ी मजदूर के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उस कैरेक्टर की इंटरनल यात्रा को जर्नी को समझ सके, एक तो दूसरा उस कहानी के पूरे फील को वो पकड़ सके, जो महसूस कर सके, उतना वक्त दे सके। तो आमतौर पर जो जो बोला गया है कि एक मेरे ख्याल से हर तरीके के सिनेमा में ये अप्लाई होना चाहिए और होता भी होगा, जो सिनेमा अच्छा बन रहा है, अच्छा सिनेमा जो बनाते हैं जिसे हम देखना पसंद करते हैं, तो उसमें बजट की वजह से कोई सिनेमा बेहतर होगा या खराब होगा ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, तो लेकिन कई बार कहा जैसे अब भारत में ही कोई अब हिस्टोरिक कैरेक्टर पर या किसी चीज पर फिल्म बनाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा। गांधी फिल्म को, गांधी तो कोई उस तरह की जो आपने कहा है तो वैसी फिल्म नहीं, लेकिन गांधी को बनाने के लिए तो 100 करोड़ में कुछ होगा नहीं, उससे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा गांधी बनाने के लिए। तो सवाल यह है कि कहानी क्या है और आप मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, उसमें पैसे की जरूरत तो एक अलग बात है। पैसे से कोई सिनेमा की तुलना करना ये मुझे समझ नहीं आता। जब एक 1.5 करोड़ की पिक्चर भी कमाल हो सकती है और 150 करोड़ की पिक्चर भी ना देखने लायक जी। अच्छा, एक और जैसे आपने बताया कि बेसिकली ये माने कि एक मजदूर की कहानी है, दिहाड़ी मजदूर की, और साइकिल के साथ जो उसका संबंध है उसके जरिए वो उसकी दुनिया दिखाती है, और एक छोटी कहानी है जो बहुत बड़े दायरे को दिखाती है। सिर्फ एक कहानी, एक किरदार के जरिए आप एक पूरे समुदाय, एक पूरे तबके के शायद दुख दर्द देख सकते हैं। इसमें मेरा एक सवाल ये है कि अगर जब इस तरह की फिल्में बनाई जाए, खासतौर पर मजदूरों के बारे में, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे आपकी मजदूर तो यही थे, दिखे हमें लॉकडाउन में, है ना, क्योंकि वो इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें आई, तो एक डायरेक्टर के तौर पे क्या इस तरह की चुनौतियां रही कि मजदूरों के बारे में ना बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं लोगों में, फिल्म की दुनिया में भी है, और बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो फिल्म वालों ने लोगों पे थोप दिए हैं, तो इस मसले पे फिल्म बनाते हुए क्या आपके दिमाग में भी इस तरह की चीजें आई कि ओहो कहीं आपको लगा नहीं नहीं मैं भी स्टीरियोटाइप में तो नहीं जा रहा, या किस तरह के स्टीरियोटाइप्स, मतलब आपके दिमाग में क्या बात चली कि भैया ये नहीं करना है, हमें मजदूर पे फिल्म बनानी है लेकिन ये नहीं करना है? देखो ऐसा है ना, मैंने बताया कि सिनेमा का मजदूर जो है ना वो बहुत सिनेमा ही है, खासतौर से जो हम पॉपुलर सिनेमा में देखते हैं, और इस सिनेमा में जो है मजदूर, असल में ये मजदूर जो जीवन में जैसा होता है, जीवन में हम और तुम जैसे होते हैं वैसे ही वो भी इंसान है। और एक और जो चीज है, सिनेमा में मजदूर होने का मतलब सिर्फ वो उसके आसपास बहुत सारा दुख है ऐसा हमने मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन होना किसी सुख का कोई पैमाना नहीं है, नहीं है ना। मजदूरों के पास संसाधन नहीं है,
ये सच्चाई है, लेकिन वो इस वजह से सिर्फ गम में है या दुखों में है या बहुत दुखी है, ऐसा नहीं है। हाँ, उस संसाधन की कमी के जो दुख है उनके जीवन, वो तो निरंतर है ना, और वो उन्हें शायद कभी समझ आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं उन्हें कभी वो समझ आए। लेकिन उनकी दुनिया भी ना बड़ी अच्छी है, कई बार हमें लगता है हमारी से अच्छी दुनिया उनकी है, और मैं उन्हें अलग से, मुझे ऐसा लगता नहीं किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं, मुझे वो बहुत बहुत हमेशा करीब के आसपास के लोग लगते हैं, बल्कि मैं उनमें, मतलब मुझे तो अलग उनमें कुछ लगता ही नहीं, मैं उन्हीं का हिस्सा लगता हूँ और वो मेरे हिस्से लगते हैं मुझे, कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम श्रमिक ही हैं, है ना। तो एक चीज, अब रही बात दूसरा जो है उनका, वो रिसोर्स और संसाधन की बात है, उनके पास जो हिस्से में उनके में आ पा रहा है ना, तो सो कॉल्ड जो हम, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया ने बहुत प्रगति की है, वो प्रगति उन तक अभी पहुंच नहीं पा रही है ना, वो प्रगति उन तक उसकी रफ्तार इतनी कम है कि दुनिया की बाकी रफ्तार 100 की स्पीड से चल रही है, तो जो उनके पास जो 10 की रफ्तार से पहुंचना चाहिए था, दुनिया 200 हो जाती है और वो 12-13 हो पाते हैं, सो वो हमेशा पीछे ही उस रिसोर्स की लड़ाई में थोड़े रह जा रहे हैं। बाकी मेरे लिए वो एकदम से असली थे, और उनके लिए कहीं कुछ, मुझे सिनेमा से नहीं देखा था ना मैंने उसे, उन्हें सिनेमा से देखा होता तो मैं ये जरूर करता, ये नहीं करना है मुझे, मैंने जो कहा है आप देखें उस फिल्म को, और ये एक बात थी कि उस फिल्म को बनाते वक्त ये चुनौती जरूर थी, जो नाटक के वक्त भी मैं करता रहा हूं, और आगे भी जो मैंने, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, सिनेमा हो, आर्टिकल हो, कहानी हो, उपन्यास हो, क्यों पढ़ने लायक हो, दर्शक को देखे पहले उसके बाद तय करे, इसका मैं हामी रहा हूं कि वो फिल्म ऐसी होनी चाहिए एक आम आदमी उसे देख ले। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तेरा रोज को सनाटिक है वो यार, या फिर तू टम्पू ते आओ कर यार। पापा तुम तो कह रहे कि तुमको वो थकते ना, अब कैसे थक गए, है ना, तो वो देख, मतलब ऐसा ना लगे कि वो कहीं से भी, तो वो कहानी कहने के तरीके में कोशिश करी गई है कि आप लोग देखें तो पूरी देख लें, उसके बाद फिर अपनी राय बनाएं। हाँ अच्छा, गनी साहब इसमें प्रकाश झा जो है वो अभिनय भी कर रहे हैं जी, तो आपने बताया कि आपको लगा कि ये मुझे किरदार के लिए सही लगे, प्रकाश झा अगर अभिनय करें तो मजा आ जाए, तो क्या आप उनकी भी इच्छा थी, आपको राजी करना पड़ा उन्हें? नहीं, बहुत, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये स्क्रिप्ट का कैरेक्टर जो है उन्हें भेजा गया था और वो पढ़ के बहुत एक्साइटेड थे, सिर्फ वो ये मिलना चाहते थे कि कौन व्यक्ति है ये, और मैं तो उन्हें जानता था, लेकिन एक चीज थी जो मेरे मतलब मैंने उन्हें हमेशा, वो सिनेमा में कीमियो करते हैं, किसी सीट पर पीछे बैठ के दिख जाते हैं, या अखबारों में आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने देखे हैं, तो ये था कि मैं जब मिला तो बॉडली भी थोड़े बड़े थे वो, फिजिकली भी थोड़े से, तो ये एक चीज थी, बाकी सारी चीजें फिट थी, वो जहनी तौर पर इसके लिए बहुत तैयार थे कि मैं ये करूंगा, जैसे कि उन्होंने इसे करने के लिए जहाँ महीनों पहले आए थे वो, और मजदूरों के बीच में रहे जाते थे, न्यूज़पेपर में खाना लपेट के हम लोग यही ले आते थे, साथ में बैठ के खाते थे, एंड मतलब सब जैसे एसी में रहना उन्होंने छोड़ दिया था, वीएफएक्स हमने यूज नहीं किया, 11 इंटर सर पर रख के लेके जाने, ऊपर तो जाने वो खुद ही कर रहे थे, तो ये चीजें उन्होंने भी उसके लिए बड़ी मेहनत की है उस की, और यही हम उम्मीद भी यही कर रहे थे कि कोई समझदार व्यक्ति को हम लेके आ सके, तब ये मट्टो जो है वो ठीक से हो जाएगा, और इसके लिए वो उन्हें तैयार करने जैसा नहीं था, वो कहानी ने तैयार किया उन्हें, बाकी हम लोगों ने कोशिश करी कि वो मट्टो हम सब मिलके उसे देख सके कैसा दिखे। तो काम करते हुए कुछ, क्योंकि वो खुद एक डायरेक्टर भी हैं प्रकाश झा साहब भी, तो ऐसा वो नहीं आया उनको लगा हुआ वो मतलब कि अभिनय कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे कीजिए प्रकाश झा साहब, ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या तालमेल था आप दोनों का? आप एक निर्देशक हैं, वो एक निर्देशक हैं, बट फिलहाल वो एक्टर हैं, तो आपकी अपेक्षा के अनुरूप अभिनय कर पा रहे थे वो उस किरदार को, मतलब जिंदा कर पा रहे थे?
देखो राजकुमार ना, अभी वो फिल्म कुछ समय में हम आपको दिखाएंगे तो आप खुद बताएंगे को कैसा किया, इसकी इसका ये जवाब है। बाकी ये था, उन्होंने मुझे बोला था कि गनी तुम्हें जो चाहिए ना, जब तक तुम संतुष्ट ना हो तो मुझे बताते रहना, मैं 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 20 बार 25 बार जब तक होगा मैं करता रहूंगा, जब तक तुम मुझे कह दोगे नहीं कि ये हाँ ठीक है। तो ये ऐसा वाला था, उसमें कोई दिक्कत, और उन्होंने उसमें कहीं कोई कोताही बरती नहीं थी। अभी इस फिल्म को योजना क्या है अभी कि कब तक आप रिलीज करेंगे, मतलब दर्शक को के पास कब तक पहुंच पाएगी? हम तो चाहते थे बहुत जल्दी से पहुंच जाए, मतलब अभी फिल्म तो कंप्लीट ही थी हमारी तरफ से, तो अभी सिनेमा हॉल की जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सा अभी दर्शक का आना उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो मार्च अप्रैल में शायद हम ऐसा, हालांकि इस बारे में सबसे ज्यादा तो प्रोडक्शन बताएगा, तय करेंगे, ये उनका काम है, और वो क्योंकि बनाने से अलग की पूरी की पूरी व्यवस्था है ये, तो इस बारे में तो कभी आप जो प्रोडक्शन कंपनी है उनसे बात करेंगे तो सही बता सकेंगे। बाकी हाँ, मार्च अप्रैल में शायद हम लोग इस बारे में, भारतीय दर्शकों के लिए, चाहे मैं तो खुद ही चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छा, देखें उसे। एक जो इस समय का जो सिनेमा है, क्योंकि अभी जी ओटीटी आ गया है तो बहुत तरह की वेब सीरीज आ रही हैं, अलग तरह के किरदार, अलग तरह की कहानियां, बहुत एक तरह के कंटेंट को लेके उठापटक चल रही है सिनेमा में। आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो जो एक एक लीक खींच दी थी कि जनता के मुद्दे, जनता और जो इस तरह के रूटीड जो कैरेक्टर हैं उनकी छोटी छोटी कहानियां, खुशी गम, वो आपको लगता है कि अभी कुछ जगह पा रहे हैं सिनेमा में? अनुषा रिजवी की फिल्म थी पीपली लायन, तो चाहे जिस तरह से भी सही, हम उस वक्त तक वैसे सिनेमा की उम्मीदें थोड़ी सी कम कर रहे थे कि वैसा सिनेमा है ना मेन स्ट्रीम में उस तरीके का सिनेमा आए, या हिम्मत, मतलब तो ये चीजें चल पड़ी थी। और आप देखें कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है जिसमें छोटी कहानियां और अलग तरह की कहानियां आ रही है, जैसे कि कास्ट के सवाल पर भी मेन स्ट्रीम से, हालांकि वो अपनी क्षमताएं हैं वो, और वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी समझ का भी मसला हो सकता है, जेंडर के इशू पर अच्छी कहानियां आए, जैसे अब वो फिल्म थी वो आयुष्मान खुराना की पिक्चर थी मेन स्ट्रीम में ही, वो थी ना वो लड़की, थोड़ी हैवी लड़की वाली पिक्चर थी, क्या था हाँ, नाम वो उसका, भूमिका पेडनेकर उसमें थी। हाँ पे, हाँ, तुम्हारी बात का जवाब है शायद जी उसमें कहीं है कि सिनेमा में ये चीजें आने लगी थी और उसके प्रति ना दर्शक थोड़ा सा तैयार हुआ, लेकिन उसमें तैयारी के लिए दर्शक को कहीं से, जो हमें लगता था 90 के दशक में कि हम दुनिया थोड़ी बदलेगी, पढ़ाइयां होंगी तो समझ आएगी एक अलग तरीके की, और उससे मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन विज्ञान ने उसमें जो योगदान दिया कि दुनिया को देखने का जो हमें मौका मिला है, एक्सपोजर जो हुआ है कि हम, उससे एक समझ बन रही है लोगों को, महिलाओं को देखने का नजरिया बदल रहा है ना। हम देश के छोटे शहरों में, सिर्फ चंद बड़े शहरों को छोड़ दे तो वहां के अलावा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए देखने के चश्मे जो थे, वो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव दिखने वाले लोगों में भी उनको लेके बहुत सही समझ नहीं थी, तो वो सब दर्शक के तौर पर अवेयर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लोग कहने वाले हैं वो भी उन्हीं में से आ रहे हैं, तो उन कहानियों को पकड़ रहे हैं, चुन रहे हैं, तो उनके लिए स्पेस बन रहे हैं और ये अच्छा है, लेकिन ये मतलब कुछ खिड़कियां तो होती है ना, कुछ खिड़कियां तो इस समय इस तरह की दुनिया में अच्छी वाली खुली हैं, कुछ खिड़कियों के मतलब खतरे भी होंगे, क्या किस तरह के खतरे लगते हैं आपको? जैसे कि देखिए आज आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाए हैं, तो इंडिपेंडेंट फिल्म बना करके आप अगर, और आप आउटसाइड, मतलब आउटसाइड वो अजीब तरीके का शब्द है, आप एक हिंदुस्तानी हैं और एक सिनेमा कहना चाहते हैं, आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते, मुश्किल ये है, उसका सिर्फ ये हो सकता है कि अच्छे सिनेमा फेस्टिवल बनने वाले संजय जोशी हैं,
उस तरीके के फेस्टिवल जो जनता के बीच में सिनेमा दिखाते हैं वो लोग उस फिल्म को लेके घूम सकते हैं। बाकी जहां उम्मीद करते हैं कि सिनेमा वो सही जगह पहुंचे तो वहां पहुंचने की चुनौतियां शुरू हो गई हैं, जो कि खुलने चाहिए थे रास्ते। हमें ऐसी उम्मीद के बारे में बताया गया था कि ये रास्ते खुलेंगे, लेकिन वो रास्ते सुकुड़ते जा रहे हैं, या मतलब सुकुड़ने से इन द सेंस फिल्म बना तो सकते हैं वो, लेकिन उसमें जो लग रहा है उसकी वापसी का जो छोटा सा अमाउंट भी लगा है उसकी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। वही उससे उसी लेवल का या उससे निचले लेवल का भी सिनेमा अगर आप कहीं और से बन रहा है तो वो अश्योर हो जा रहे हैं। तो ये चुनौती, इस तरीके की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। जिस मसले पे आपने फिल्म बनाई और आप कह रहे हैं कि आपने बहुत करीब से देखा है, आपने जिंदगी में एक जिंदगी के अपने हिस्से के तौर पे मजदूर को उसकी जिंदगी को देखा है, तो फिलहाल का जो समय है, क्योंकि हमने लॉकडाउन में देखा है किस तरह की तस्वीरें सामने आई, तो एक मजदूर के हिसाब से आप कैसे देखते हैं इस फिलहाल का जो हिंदुस्तान है, इसको उसकी क्या लोकेशन देखते हैं कि अच्छा होना चाहिए उनकी जिंदगी में? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और हमें जो भी हम उनके बारे में सोचने की स्थिति में है या हमारे पास उस तरह की पावर है, तो सच में ईमानदारी से उनकी तरफ खड़े होकर, उनके बीच खड़े होकर देखने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि ये किस स्थिति में है वो हम सबने देखा है बहुत करीब से, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही वो सिर्फ कोई घर पहुंच जा रहा है तो सही हो जा रहा है। हमें सही करना पड़ेगा उसके बारे में ना, उसके लिए हमें सही करने के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं, जो तंत्र है, जो सेटअप है, उसको बेहद उनके लायक बनाने की जरूरत है जी। एक और बात, मैं थोड़ा लालच कर रहा हूँ, दिमाग में सवाल है, जैसे कि मजदूर ना को एक तरह से इनविजिबल कर दिया गया, जबकि जो ब्रांड है, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, लोग पागल हैं उन ब्रांड को हासिल करने के लिए, लेकिन वो ब्रांड भी मजदूर ही बनाता है, वो अपने आप नहीं बनते हैं, वो कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। तो ये कैसे हो गया कि मजदूर जो है एक तरह के वो बिल्कुल बिल्कुल ओझल कर दिया गया, परसेप्शन से गायब, हमारे हर हर जगह से गायब हो गया? एक तो ये है कि सबसे पहले हमारे जहन में मजदूर का मतलब ये बना दिया, मतलब हम लोगों ने सबने ये बैठा हमारे जहन में, कैसे बैठा ये तो मतलब लोग समझते हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं समझते। मजदूर का मतलब मान लिया गया जो फावड़ा लेके खेत में चलाता है वो मजदूर है। पहले तो इससे इससे जो इसे निकल आएगा तब समझ में आएगा कि मजदूर तो बहुत कमाल के इसी रूम में बैठे हुए, कमाल की चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी मजदूर ही है। उसके प्रकार बदल जा रहे हैं, चीजें बदल जा रही है, तो यानी श्रम देने वाले की जो स्थिति है, और खासतौर से अब आते उनकी तरफ जो जिनकी अभी जिंदा रहने की लड़ाई है, तो यार ये तो आसान है। दुनिया के पैमाने पर आप देख रहे हैं कि कैसे सब मैं ना जहां से पैसे से संभव है यार, मीडिया बताना, मतलब लोगों तक सूचना पहुंचना कि उनके लिए, जैसे अभी तो कमाल ये हो गया है, ऐसा है ना कि मतलब आप देखिए, मैं कई बार जाता हूं उन जगहों पर जहां ये लोग नौकरी कर रहे होते, जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में चले जाइए या किसी मतलब जहाँ लड़के खड़े हैं टाई लगा के और बहुत अच्छे से, मैं कई बार सोचता हूँ क्या ये खुद भी अपने परिवार को लेके महीने में एक बार आ सकते हैं क्या, यहाँ आ सकते होंगे? तो कोई और ऐसी बात आपको जो लगती हो मैंने आपसे सवाल ना पूछा हो उस बारे में और आप कहना चाहते हैं? अरे हम यार ऐसा है कि आप लोग अच्छा सिनेमा देखते रहिए, हम भी अच्छे सिनेमा की उम्मीद करते रहें,
मैं ये चाहता हूँ। हाँ, एक बात मुझे जो कहना है या कहना चाहता हूँ, अच्छे सिनेमा बनाने वाले जो लोग हैं, हमें उन सबको अपनाना चाहिए, अपनाना होगा, तब शायद हम अच्छा सिनेमा देख सकेंगे। बाकी इंटरटेनमेंट पैकेज जो है ना, और वो मनोरंजन करना बुरी बात एकदम नहीं है, मनोरंजन की, क्योंकि इस देश में देखो ना तुम, कमाल फिल्म शोले है ना, उसमें मनोरंजन भी है और सिनेमा भी है ना। अभी बहुत सारा सिनेमा अभी बनता है, कमाल फिल्में बनती, मैंने बताया ना, अच्छा सिनेमा अच्छा खराबी हो सकता है। सो अच्छा सिनेमा बनाए ऐसे नौजवान, और वो कहीं से भी आ सकते हैं, जहां से गया उनकी, उन्हें हम लोग, तो मैं सिर्फ सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी खास रीजन या किसी खास भाषा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे सिनेमा में जो जहां से भी बने, हो सकता है कोई पौड़ी गढ़वाल से बहुत कमाल की पिक्चर बना दे, आप पूना में बैठे, पूना से अच्छी पिक्चर बना दोगे आप। सही बात है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं मोहम्मद गनी। हाँ, हम ये शुभकामनाएं हम सबके लिए हैं जी, हमारे लिए, आपके लिए, बिल्कुल सबके लिए हैं। और जल्द ही हम आपसे आपकी और फिल्में भी देखना चाहेंगे, कुछ योजना है अभी इसके बाद, कुछ कुछ लिख रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग एक कास्ट और जेंडर पर एक बड़ी कमाल की कहानी है, उस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं उसके बारे में प्लानिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है उसका। जी, एक और बात मैं आखिर में जरूरी है कि इस फिल्म से कौन कौन लोग जुड़े रहे, थोड़ा हमें टीम के बारे में भी बताइए, जैसे स्टोरी, कहानी, किस स्क्रीन प्ले, किसने डायरेक्शन किया, कौन मुख्य भूमिकाओं में है, एडिट किसने किया है, जो DOP है इनके। तो इस फिल्म की जो ज्यादातर लोग है ना, वो एक्टिंग में तो ज्यादातर लोगों की पहली, सिनेमा के तौर पर ही पहली फिल्म होगी जो यही किए थे ज्यादातर, जो थिएटर में भी काम किया कुछ लोगों ने, कुछ ने एकदम से काम नहीं किया है, तो जीवन से हमने सीधे ही उठा के उन्हें थोड़ी तैयारी कराई और काम करा लिया है। DOP की ये पहली हिंदी फिल्म थी, इससे पहले वो मराठी फिल्म कर रहे थे, चंदन कोहली, बहुत मतलब एनर्जेटिक व्यक्ति है, नौजवान है, नौजवानों की टीम थी, मतलब मेरे बाल सफेद है लेकिन मैं नौजवान, मैं तो छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ। तो नौजवानों की टीम थी पूरी की पूरी, कमाल की असिस्टेंट डायरेक्शन टीम थी, सहयोगी बहुत कमाल थे, कृतिश कामिश का भाई है कृतिश, और शिवानी थी एक बच्ची, और हमारा जो एसोसिएट थे रोहित, वो मराठी फिल्म भी बना चुके हैं रोहित, गौरव खाती, ये कमाल के मेहनती लोगों की टीम थी, ये सब सहयोगी थे हमारे। कामिश करना, जिसने ये फिल्म एडिट करी है, उसकी पहली इंडिपेंडेंट ये फीचर फिल्म है जो उसने एडिट करी है, और उससे पहले वो और बहुत सारी सेक्रेट गेम्स पहले का एडिटर था, पता ही होगा आपको, और कई में सहयोगी एडिटर था, उसकी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म है। पुलकित फिल्म, जिसने इसकी स्क्रीन प्ले लिखा है, उसका ये पहला है, वो फिल्म स्कूल से पास आउट होके आ रहा है अभी, अभी अगली फिल्म भी साथ वही लिख रहा है, तो वो उसने भी लिखी है, और तो ज्यादातर साथियों की ये पहली पिक्चर है, और नकुल सिंह सहनी ने भी इसमें डेब्यू किया एक्टिंग का। बढ़िया है, बढ़िया है। तो खैर, तो ये है, सब मिलके हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि एक अच्छी देखने लायक फिल्म बन सके, इसे देखें आप लोग सब, और फिर अगली फिल्म के लिए हौसला मिल जाएगा तो आगे भी बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे आपकी आने वाली फिल्मों का भी इंतजार है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि जब फिल्म ये रिलीज होगी तो एक अलग तरह का सिनेमा दर्शक देखेंगे और रूबरू होंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो शुक्रिया, अभी हाँ, अभी के लिए बातचीत को रोकते हैं, बातचीत तो जारी रहेगी। ठीक जी जी, शुक्रिया। Thank you.